तो सबसे पहले हम क्रिएट यूज़र, और हमको इसके लिए कनेक्ट होना पड़ेगा एज अ सिस यूज़र, और देन हम लिखा क्रिएट यूज़र और यूज़र का नाम कि किस नाम से आप यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम लिखा ऑरा सॉफ्ट, ऑरा सॉफ्ट के नाम से यूज़र बना दो, और आइडेंटिफाइड बाय ऑरा सॉफ्ट, यूज़र का नाम ऑरा सॉफ्ट और उसका पासवर्ड ऑरा सॉफ्ट। ये हमने इसका एक यूज़र क्रिएट कर दिया। हम क्योंकि DBA के अकाउंट से यूज़र से लॉगिन है तो हमने लिखा सेलेक्ट यूज़र नेम और 2-4 ऑफ क्रिएटेड सुबह में नहीं बना था फ्रॉम DBA अंडरस्कोर यूजर्स। इसमें हम देखते हैं कि आज का डेट है 21, यूज़र जो बनाए हैं इसकी इंफॉर्मेशन डेटाशीट के अंदर आ गई। ठीक है, हमने जो यूज़र क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से देख सकते हैं, या कोई भी यूज़र जो डेटाबेस में पहले से मौजूद है या आप क्रिएट करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन DBA_users में आ जाती है, आप वहाँ से क्यूरी करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, स्पूल हमारा बन रहा है, वापस आ गए। अब जो यूज़र हमने क्रिएट किया इसका नाम क्या था? ऑरा सॉफ्ट, और उसका पासवर्ड भी ऑरा सॉफ्ट था। हमने लिखा कनेक्ट ऑरा सॉफ्ट और उसका पासवर्ड ऑरा सॉफ्ट। क्या ये यूज़र जो है सिर्फ आपका क्रिएट हुआ है, इसको कोई भी किसी भी किस्म की परमिशन नहीं है, इसको ये परमिशन भी नहीं है कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो सके। ठीक है, अब आप देखें यहाँ एरर क्या है, यूजर ऑल्सो लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस, कि इसको क्रिएट सेशन यानी कि डेटाबेस पर सेशन बनाने की भी परमिशन नहीं है, तो हमें जो है इसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी। अब परमिशन जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, एक सिस्टम प्रिविलेजेस हम कहते हैं एक को, और एक होती है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। सिस्टम प्रिविलेजेस और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। सिस्टम प्रिविलेजेस में जो प्रिविलेजेस आती हैं तकरीबन 100 के से अबव हैं परमिशन डिफरेंट, जिसमें से एक प्रिविलेज है जिसका नाम है क्रिएट सेशन। क्रिएट सेशन वो प्रिविलेज है जो किसी यूज़र को अगर आपने दी तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसको कनेक्ट होने के राइट्स मिल जाएंगे अगर आपने क्रिएट सेशन की प्रिविलेजेस किसी भी यूज़र को दी। अगर हम देखें, हम कनेक्ट हुए DBA के अकाउंट से दोबारा, और हमने लिखा ग्रांट, ग्रांट की कमांड है जिसे हम किसी को भी कोई परमिशन देते हैं। हम लिखा ग्रांट क्रिएट सेशन टू ऑरा सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये परमिशन दी तो क्या होगा, यूज़र जो है सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट हो सकता है, वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम का मतलब वो कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकता। तो हमने इसके साथ लिखा चला, किस स्टेटमेंट चला सकता है, किस पे चलाएगा, ऑल अंडरस्कोर टेबल्स में जो आ रहे हैं, जो जिन पे उसको बाय डिफॉल्ट राइट्स होता है उन पर चल जाएगी, लेकिन अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। हाँ, हमने लिखा ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल और क्रिएट व्यू, क्रिएट साइनोनियम और क्रिएट सीक्वेंस,
क्रिएट प्रोसीजर टू ऑरा सॉफ्ट, यानी कि ऑरा सॉफ्ट के यूज़र को हमने ये तमाम प्रिविलेज दे दी कि सेशन क्रिएट कर सकता है, टेबल बना सकता है, टेबल बना दिया तो ज़ाहिर है उस पर डीएमएल पर परफॉर्म कर सकता है, जो यूज़र अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उस पर उसको तमाम राइट्स होते हैं, व्यू बना सकता है, साइनोरियम बना सकता है, सीक्वेंस और प्रोसीजर, ये तमाम राइट्स हमने दे दिए ऑरा सॉफ्ट के यूज़र को। अगर मैं यह लिख देता टू पब्लिक तो इसका मतलब क्या होता है, ये तमाम प्रिविलेज तमाम को मिल जाती, जो भी नया यूज़र बन रहा है उसको भी मिल जाती। खैर हमने यहाँ लिखा ऑरा सॉफ्ट ग्रांट सब्सिडी, उनको भी उसको भी राइट्स मिल जाते हैं बाई डिफॉल्ट। पब्लिक का मतलब यही है कि तमाम को मिल जाएंगे और कोई नया भी बनेगा तो उसको भी वो राइट्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। सेशन में से वो कनेक्ट हो सकता है, डेटा रिट्रीव किससे करेगा, अगर किसी और पर उसको राइट्स हैं तो वो कर सकता है, अपना टेबल नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये तमाम प्रिविलेजेस हमने इसको दे दी। अब हम कनेक्ट हुए ऑरा सॉफ्ट के यूज़र से, ठीक है। अगर हम देखें सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कैट तो क्या नज़र आएगा, इसमें खाली है क्योंकि इसमें कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। एक क्यूरी है हमारे पास जिससे हम दे सकते हैं कि जिस यूज़र से हम कनेक्टेड हैं इसको कौन कौन सी परमिशंस मिली हुई हैं, तो हमने लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस PRIVS, जो जो परमिशंस हमने दी थी वही तमाम नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है। अच्छा, अब ये यूज़र जो है टेबल क्रिएट करने आ रहा है, इसने कहा क्रिएट टेबल टैब वन और आईडी नंबर प्राइमरी की नेम वर्चार टू 20 और जॉब वर्चार टू 10। क्या कह रहे हैं, नो प्रिविलेजेस ऑन टेबल स्पेस यूजर्स। यूजर के पास राइट्स तो हैं कि वो टेबल बना सकता है, लेकिन जिस एरिया में बैक पर टेबल क्रिएट होता है उस एरिया पर जिसको हम टेबल स्पेस कहते हैं उसमें राइट्स नहीं है कि आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकें। तो पहले हमें टेबल क्रिएट के अगर हमने राइट्स दिए हैं तो उसके अलावा हमें उस टेबल स्पेस पर राइट्स देने होते हैं। टेंजी में जो डिफॉल्ट टेबल स्पेस है जिसमें यूज़र का डेटा जाता है वो है यूज़र्स, तो हमें इस पर इसको राइट्स देने। ये क्या कर रहा है आप, तो हम कनेक्ट हुए DBA के यूज़र से और हमने लिखा ऑल्टर यूज़र, ठीक है, और यूज़र का नाम कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स, यूजर्स टेबल स्पेस जिस पर उसको राइट्स देते हैं। हम इसको कितना कोटा दे रहे हैं इसमें, अनलिमिटेड का मतलब है जितनी भी जगह इसमें मौजूद है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते थे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अनलिमिटेड लिखें, अगर आप चाहते हैं कि ये 10 MB यूज़ कर सके तो आप यूं भी लिख सकते थे, 1 GB लिखना है, 10 GB लिखना है, जो भी आप लिखेंगे बहरहाल वो मिल जाएगा। अनलिमिटेड का मतलब है जितनी भी स्पेस मौजूद है वो उसको यूज़ कर सकता है, तो ये कोटा देना भी ज़रूरी होता है यूज़र को। अब जब हम कनेक्ट हुए ऑरा सॉफ्ट के यूज़र से, सीक्वेंस वगैरह तो बन जाएगा ना, सीक्वेंस जो है वो वेट थोड़ी रख रहा है, आपका टेबल जो है उसके अंदर डेटा जाता है तो वो स्पेस लेगा, बाकी तो डेटा हिस्ट्री की चीज़ें वो क्रिएट हो जाएंगी आपकी। हाँ, तो अब हम टेबल दोबारा से क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट टेबल, पहले हमने एक चीज़ देखी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस, ये तमाम प्रिविलेजेस हमें नज़र आ रही हैं, और अब हमने लिखा क्रिएट टेबल टैब वन आईडी। वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास व्यू है DBA अंडरस्कोर TS अंडरस्कोर को, इसको अभी हम कंफर्म कर लेते हैं। टेबल बना लूँ मैं पहले, नेम वर्चार टू 20 और जॉब वर्चार टू 20। ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया,
टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं कमांड लिख रहा हूँ क्रिएट इंडेक्स टैब वन अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर आई एन डी ऑन टैब वन के जॉब के कॉलम में, क्या ये कमांड चल जाएगी या नहीं? क्रिएट इंडेक्स की कोई परमिशन नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगाई थी, अगर हम प्राइमरी की लगाते हैं तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यूनिक लगाते हैं इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो जब आप क्रिएट टेबल के किसी को राइट्स देते हैं तो क्रिएट इंडेक्स के राइट्स भी इसको मिल चुके होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा जी, वो कैसे चेक करेंगे? वो हम चेक करते हैं डिस्क्राइब यूज़र अंडरस्कोर टीएस अंडरस्कोर कोटास, ठीक है। ये वो टेबल है, वो डेटाशीट का व्यू है जिसमें से आप देख सकते हैं किस टेबल स्पेस पे इस यूज़र को कितना अमाउंट जो है वो अलाउ है। तो हमने लिखा सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम और सम ऑफ बाइट्स, बाइट्स के अंदर ये रिजल्ट आता है, हमने इसको कहा इसको बाइट्स को सम करो और डिवाइड बाय 1024 डिवाइड बाय 1, बाइट्स में आता है, इसको हमने एमबी में कन्वर्ट किया फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टीएस अंडरस्कोर कोटास ग्रुप बाय टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम। मल्टीप्लाई बाय एक मिनट को, ठीक है। और इसको भी मैंने हटाया, 1024 आ रहा है, सही है। सिस डीबीएसएम कनेक्ट हुए और सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम और बल्कि डिस्क्राइब किया डीबी अंडरस्कोर टीएस अंडरस्कोर कोटास सेलेक्ट यूजर नेम कॉमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा बाइट्स फ्रॉम दिस वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्रॉसऑफ। अगर फर्ज करें आपके यहाँ जो टेबल स्पेस है वो है 5 MB का, ठीक है, अनलिमिटेड टेबल स्पेस का मतलब क्या होगा, उस यूजर को जितनी भी उसमें फ्री स्पेस है वो तमाम उस पर राइट्स होते हैं। 99 के अंदर ऐसा नहीं आता था, 99 में आपको -1 लिखा हुआ था बाइट्स के अंदर, -1 का मतलब होता था इस यूजर को अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके अंदर की कोई एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं पता, इसका साइज क्या कट बाद में साइज के हिसाब से इसको दिखा रहा होता है, लेकिन 99 में यहाँ पर सिंपल -1 आता था। पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आता था, ये डीबीए का क्वेश्चन था कि आपने इस टेबल पे क्यूरी की और यहाँ पर इसके अंदर -1 लिखा हुआ है, तो -1 क्यों लिखा हुआ है? क्या यूज़र को जितना कोटा दिया था उसने उससे 1 MB ज़्यादा यूज़ कर लिया या उसने उससे 1 MB कम रह गया यूज़ करना, इस टाइप के उसमें क्वेश्चन होते थे। -1 का मतलब था कि यूज़र जो है उसको अनलिमिटेड टेबल के राइट्स मौजूद हैं। अगर हम इसको कर दें यूज़र नेम हटा कर, अगर हम देखें ये डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट उस पर जो जो राइट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने अनलिमिटेड दिया, अगर हम फिक्स देते तो हमें फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता कि 5 MB लिखा तो यहाँ पर 5 MB के हिसाब से जो भी बाइट्स बनती है वो आपको शो कर देगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं लिखूँ मैं कौन से यूज़र से कनेक्टेड हूँ, सिस से, ठीक है, हमने लिखा ड्रॉप यूज़र और सॉफ्ट, क्या यूज़र ड्रॉप हो जाएगा इस कमांड से? कैस्केड मस्ट बी स्पेसिफाइड टू ड्रॉप और सॉफ्ट, अगर कोई यूज़र जिसको आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उसने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो आप उसको ड्रॉप यूज़र और यूज़र नेम के साथ ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको साथ में कैस्केड लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको कैसे सेंटेंस लिखना पड़ेगा ड्रॉप
यूजर ऑरस ऑफ कैस्केड, देन वो ड्रॉप होगा एक बार। लेकिन अगर वो यूजर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो करेंटली कनेक्टेड है, सेशन उसका ओपन है, और अब आपने लिखा ड्रॉप यूजर ऑरस ऑफ, कि एक यूजर जो करेंटली कनेक्टेड है आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। जिस यूजर को आपने ड्रॉप करना है जरूरी है कि वो कनेक्टेड ना हो, वो डिसकनेक्टेड हो। तो हमने इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया, और जब हमने अप ड्रॉप किया तो अप ड्रॉप हो जाएगा, कैस्केड लिखना पड़ेगा आपको। कैस्केड यहाँ पे यूज हो रहा है, पर हम टेबल को ड्रॉप करते वक्त यूज करते थे। वहाँ का सिंटैक्स है, यहाँ का सिंटैक्स है आपका। ये हमारे राइट्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स का टॉपिक नहीं है, ये मसला है। ये हमारे राइट्स हैं, सिस के पास तो तमाम राइट्स हैं ना, अगर सिस ही नहीं करेगा तो कौन और कौन करेगा। आपके पास तो विंडोज़ के अंदर भी ये राइट्स होता है कि आपकी मशीन पे कोई कनेक्टेड है शेयरिंग के जरिए, या मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है तो आप उनको भी डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो टॉपिक आएगा उस टाइम, तो उस टाइम मैं क्या पढ़ाऊँगा। एसक्यूएल का टॉपिक नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। यूजर ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप क्या है, आपकी डिटेल स्टेटमेंट है, कमिट ऑटो कमिट है, अब आप इसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। वो एडवांस रिकवरीज एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है बैकअप और रिकवरी क्या चीज़ होती है। हम तो सिंपल अभी एसक्यूएल लेवल पे खड़े हैं, बैकअप क्या होता है, बैकअप कैसे लिया जाता है, इसका तो हमें दूर दूर तक पता ही नहीं है। तो इस वजह से इस लेवल के हिसाब से कि अगर आपने यूज़र ड्रॉप कर दिया तो ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। जी सिस को भी ड्रॉप करना है आपने, वीडियो और सेशन से हम देख सकते हैं ना करंटली कौन सा यूजर कनेक्टेड है। ये तो हमने इतना तो देख लिया था वीडियो और सेशन में आ रहा था कौन सा यूजर कनेक्टेड है, तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके जरिए हम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि इस चीज़ की बेस पर वो आप सिंटैक्स लिखेंगे, वो उस यूज़र को अगर वो कनेक्टेड है डिसकनेक्ट कर देगा। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट करना पहले जरूरी, देन ये कमांड चलेगी, वरना आपकी कमांड नहीं चलेगी। एडमिन वन के अंदर इसका एक क्वेश्चन आता है, ये तो हम कमांड लाइन से कर रहे हैं, इंटरप्राइज मैनेजर होता है ग्राफिकल, उसमें दिखाएगा कि ये यूज़र है आपके पास और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है कि इस यूज़र को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो लिखा होता है कि जैसे आप फर्ज कर लें ऑरस ऑफ का नाम का यूज़र था ये, कि ऑरस ऑफ का यूज़र करेंटली कनेक्टेड है और आप इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो मैसेज में लिखा हुआ आता है कि जिस यूज़र को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं इसने ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं, मतलब टेबल्स बना के रखे हैं, तो हमें पता है कि उसको अगर टेबल बना के रखें तो डिलीट करने के लिए हमें कैस्केड यूज़ करना है। तो वो उसमें आंसर लिखा होता है कि भाई क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि कैस्केड यूज़ करूँ या ना करूँ, येस और नो, ठीक है। वो पहली लाइन में कह दिया, लेकिन वो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपके माइंड से वो चीज़ हट जाएगी, आपका पूरा फोकस इस चीज़ पर आ जाएगा कि यूज़ करूँ या ना करूँ। तो उसमें आंसर है कि हाँ, आप येस करेंगे तो क्या ये यूज़र ड्रॉप हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप फुल उस मैसेज के ऊपर आ जाएंगे कि येस में तो ज़ाहिर है कैस्केड कह रहा है तो फिर तो ड्रॉप हो जाएगा, पिछले ना इत्तफाक से आप भूल जाते हैं। तो उसका आंसर क्या है, यूज़र जो करंटली कनेक्टेड है उसको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, उसको डिसकनेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से करें आप डिसकनेक्ट। यूज़र ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप यूज़र और सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, एक अगर मैं कहूँ मैं एक और यूज़र बनाने जा रहा हूँ, अब यूज़र बनाऊँगा तो मुझे उसे दोबारा क्रिएट सेशन की प्रायोरिटीज भी देनी है और डिफरेंट प्रायोरिटीज देनी है, एक और बनाऊँगा फिर मुझे उनको देनी पड़ेंगी। तो इसका हल हमारे पास होता है कि हम ओरेकल के अंदर रोल क्रिएट करते हैं। रोल क्या होता है, जैसे अगर किसी आप में से किसी की नॉलेज में हो, विंडोज़ में ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह से आपके यूज़र एंड ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर आप यूज़र असाइन कर देते हैं। ग्रुप क्या है कि वो उसमें उस वो यूज़र जो इस ग्रुप के अंदर हैं उनके पास क्या प्रिविलेज है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक ग्रुप है, इसके अंदर जो यूज़र्स होंगे वो क्या होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के काम कर सकते हैं। दूसरे जो ग्रुप बने हैं वो उसी हिसाब से उसकी प्रिविलेज होती है।
सेम यही चीज़ ओरेकल के अंदर होती है रोल के नाम से. रोल क्रिएट करने का मेथड क्या है? रोल क्रिएट करने का सिंपल सेंटेक्स है, क्रिएट रोल और रोल का आप जो भी नाम रख दें. हमने रख दिया माई अंडरस्कोर रोल. ये बात याद रखने वाली है इसमें कि जिस नाम का आप रोल क्रिएट कर रहे हैं, इस नाम का रोल पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए. ये तो सीधी सी बात है. लेकिन इस नाम का यूज़र भी पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए. यानी कि स्कॉट नाम का यूज़र है हमारे डेटाबेस में. अगर मैं लिख दूँ क्रिएट रोल स्कॉट तो एरर आ गया. नेम रोल नेम स्कॉट कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर यूज़र और रोल नेम. कि इस नाम का यहाँ तो पहले से कोई रोल बना हुआ है या फिर यूज़र बना हुआ है. क्या बना हुआ है? यूज़र बना हुआ है. तो ये एरर आ गया आपका. नहीं सिर्फ उस नहीं उससे नहीं करेगा, सिर्फ रोल या यूज़र नेम चेक होता है इसमें. तो हमने कहा क्रिएट रोल, रोल का नाम हमने रख दिया माई रोल. ये एक रोल क्रिएट हो गया जो कि जिसका सिर्फ नाम है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. ये सिंपल ऐसे ही है जैसे आपने यहाँ पर एक नया ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में कोई भी मेम्बर या कोई भी परमिशन वगैरह मौजूद नहीं है. तो हम यहाँ पर आए और अगर हमें ये देखना है हमारी डेटाबेस में कौन कौन से रोल्स मौजूद हैं, तो हम हमारे पास एक व्यू है डी बी एंड स्कोर रोल्स. सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डी बी एंड स्कोर रोल्स. तो हमने जो रोल बनाया है इसमें मौजूद है माई रोल के नाम से. एक हमने जो रोल बनाया था वो इसके अंदर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है. अब रोल के अंदर परमिशन कैसे रखते हैं? रोल का नाम था माई एंड स्कोर रोल. हमने लिखा ग्रांट. जिस तरह से यूज़र को परमिशन देने के लिए ग्रांट यूज़ होती है, इसी तरह रोल को परमिशन देने के लिए भी ग्रांट होता है. ग्रांट क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट साइनोनियम, क्रिएट सीक्वेंस और क्रिएट टेबल स्पेस. एसक्यूएल में टेबल स्पेस कैसे बनती है हमें क्या पता. क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट एनी डायरेक्टरी. अच्छा हमने इसको क्रिएट टेबल के राइट्स दिए. एक मैंने राइट्स दिया क्रिएट एनी टेबल. क्रिएट टेबल का मतलब क्या है? ये यूजर टेबल बना सकता है. क्रिएट एनी टेबल का मतलब है ये यूजर किसी भी स्कीमा में टेबल बना सकता है. एनी का कीवर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब है कि ये यूजर ये काम किसी भी स्कीमा में कर सकता है सिवाय सिस के स्कीमा में. इसकी डिफरेंट प्रिविलेज हैं. क्रिएट एनी टेबल है, सेलेक्ट एनी टेबल है, ड्रॉप एनी टेबल है, इस टाइप की हैं. बहरहाल जहाँ पे भी एनी का कीवर्ड आएगा ये आमतौर पे नॉर्मल यूज़र को नहीं दी जाती. ये परमिशन किसके पास होती है? जो एडमिन लेवल का यूज़र होता है कि वो अपने स्कीमा में भी टेबल बना सकता है और अपने स्कीमा में रहते रहते स्क्वाड के स्कीमा में भी टेबल बना देगा या कोई ऑब्जेक्ट बना देगा. कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है. तो बहरहाल ये परमिशन हम किसको दे दी? माई अंडरस्कोर रोल. यानी कि ये तमाम प्रिविलेजेस कहाँ चली गई? इस रोल के अंदर. अगर हमें ये चेक करनी है कि इस रोल में कौन कौन सी परमिशन है, ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है. लेकिन डिटेंशन में हम देख सकते हैं रोल अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिविलेजेस. सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम रोल सिस प्रिविलेजेस वेयर. रोल का नाम क्या है? कि इस रोल के अंदर आपने ये तमाम प्रिविलेज रखी थी. कितनी प्रिविलेज हैं इसमें? ठीक है, रोल एक बार क्रिएट हो गया तो आप उसमें मजीद बाद में परमिशन या प्रिविलेजेस रखना चाहें तो रख सकते हैं और वापस लाना चाहें, निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं. यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ इसमें एक और कोटा नहीं आता, इसमें कोटा डायरेक्ट आपको यूज़र को देना पड़ेगा. हमने लिखा यहाँ पर ग्रांट क्रिएट ट्रिगर टू माई अंडरस्कोर रोल. माई अंडरस्कोर रोल ठीक है. पहले कितनी थी? तो ये जरूरी नहीं कि एक बार रोल बन गया तो अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकती. जिसको ये असाइन किया होगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा ना. यही तो फायदा हो रहा है इसमें कि आप समझ लें कि आपके पास एक प्रिविलेज है क्रिएट टेबल की, क्रिएट व्यू की, क्रिएट साइनोनियम की.
अब आपने ये रोल के अंदर रखी जिसका नाम आपने रख दिया माई रोल, और आपने ये परमिशन दे दी यूजर वन के नाम के यूजर को, यही रोल आपने असाइन कर दिया यूजर टू के रोल यूजर को, यूजर थ्री को भी आपने ये परमिशन निकाली, इनसे भी रिमूव कर दी, आपने नई परमिशन डाली इनको भी दी, ये फायदा आपको दे रहा है। अगर यूजर कनेक्टेड हो तो मतलब जी यूजर अगर कनेक्टेड हो तो कोई इशू होगा? यूजर अगर कनेक्टेड हो तो ओरेकल के मुताबिक वो कहता है कि वो फॉर्म से अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं, आपको लॉगिन बुक के मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसमें क्लियर कट लिखा है एक यूजर के पास अगर कोई परमिशन है और आपने जैसे रोल की फॉर्म में दी है जैसे भी दी है, और अगर आपने वो यूज़र कनेक्टेड है वो परमिशन वापस ले ली तो फौरन से वापस हो जाएगी, लेकिन आप जब ये काम करके देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, यूज़र को डिस्कनेक्ट आपको करना पड़ता है, दोबारा कनेक्ट करेंगे तो वो चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, अब उसकी ज़्यादा डिटेल उसने नहीं लिखी, हो सकता है उसमें कोई एक्स्ट्रा काम भी करना हो, लेकिन बहरहाल उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन बुक के मुताबिक जो जो बात है वो यही है कि वो परमिशन फौरन से उससे रिवोक हो जाएगी, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब हमने एक यूज़र बनाया, इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स नाम की परमिशन होती नहीं है ना, मैंने कहा ना क्रिएट टेबल की आप देते हैं, क्रिएट इंडेक्स की अगर आप देंगे मिसिंग और इनवैलिड प्रिविलेज तो इस नाम की वो परमिशन होती नहीं है। अब जब हमने यूज़र बनाया क्रिएट यूज़र और मैंने इसका नाम रख दिया यूज़र वन आइडेंटिफाइड बाय यूज़र वन, अच्छा लास्ट टाइम हमने सिर्फ इतना सिंटैक्स लिखा था यूज़र बन गया था, लेकिन इस बार हमने साथ में ये भी लिख दिया कोटा अनलिमिटेड ऑन यूज़र्स, यानी कि हम पिछली बार हमने क्या किया था, हमने यूज़र बनाने के बाद ऑल्टर करके उसको कोटा दिया था, इस बार हमने क्या किया एक ही स्टेटमेंट में ये काम कर दिया, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम यूज़र क्रिएट करते वक्त कोटा दे दें या बाद में दें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब हमने लिखा ग्रांड रोल का नाम क्या था, इसको देना यूज़र, ये राइट्स दे दी। अब हम कनेक्ट होते हैं इसे, कनेक्ट यूज़र वन, यूज़र वन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस, क्या बता रहे हैं वही तमाम प्रिविलेजेस आ रही हैं जो कि उस रोल में मौजूद थी, प्लस अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर रोल्स तो आपको ये भी बता देगा कि इसको रोल कौन सा मिला हुआ है, तो आप ये दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये रोल हमने खुद क्रिएट किया था डेटाबेस में, इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स मौजूद हैं जो हमने पहले क्वेरी करके देखे थे। अगर हम चेक करें रोल अंडरस्कोर सेस अंडरस्कोर प्रिविलेजेस तो इसमें से हमने लिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस व्यू वेयर रोल इक्वल टू कनेक्ट नाम का एक रोल होता है बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन होता है, कोई से भी वर्जन आप यूज कर लें ओरेकल का। क्या बता रहे हैं इसमें, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये रोल जो है इसमें सिर्फ एक ही परमिशन है वो है क्रिएट सेशन, इसके अलावा कोई परमिशन नहीं, यानी कि अगर हम यूजर को क्रिएट सेशन की प्रिविलेज दे दें डायरेक्ट या फिर कनेक्ट का रोल दे दें एक ही बात है। 10G रिलीज 2 में ऐसा हुआ है, 10G रिलीज 1 से पहले यानी कि 9i में या रिलीज 1 के अंदर वो तमाम प्रिविलेज जो आपको रिसोर्स के रोल में नजर आ रही थी वो इसके अंदर होती थी, लेकिन 10G रिलीज 2 में इसको चेंज कर दिया, यानी कि इसमें तमाम थी क्रिएट टेबल क्रिएट व्यू वगैरह वगैरह। अब आपने देखा होगा कि क्रिएट व्यू की परमिशन नहीं होती, आपको खुद असाइन करना पड़ता। ठीक है, एक और रोल है आपके पास रिसोर्स, इसके अंदर ये तमाम प्रिविलेज मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम कनेक्ट हों बल्कि हम कनेक्टेड हैं यूज़र सिस से और हम लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेशन अंडरस्कोर प्रिविलेजेस तो इसका मतलब क्या होगा, सिस के यूज़र को कौन कौन सी परमिशंस हैं, तो आप अगर देखें तो ज़्यादातर आपको एनी का कीवर्ड नज़र आ रहा है, एनी का मतलब है कि ये काम ये अपने स्कीमा में तो कर सकता है प्लस दूसरे यूज़र में भी ये काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक और मेथड देखें, हम आए और हम लिखा ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू यूज़र टू
identified by user 2. इस कमांड ने क्या काम किया? इस कमांड ने दो काम किए हैं. यूजर टू नाम का एक यूजर क्रिएट किया जिसका पासवर्ड यूजर टू होगा, प्लस उसको कनेक्ट और रिसोर्स के रोल दे दिए. अच्छा, अब मुझे बताओ, आप बताओ रोल. रिसोर्स नाम का रोल था. ये यूजर कनेक्ट होगा या नहीं होगा? इससे पूछ रहा हूँ. क्यों? परमिशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं. यूजर नेम सही कनेक्ट के राइट्स उसे मौजूद. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मैंने लिखा क्रिएट टेबल टैब 1 हाँ, ये टेबल बन जाएगा? नहीं बनेगा. रिसोर्स के अंदर क्या था? सारी चीजें थी ना, मसलन सीक्वेंस वाला सब. हम क्या बना रहे हैं? बन जाएगा. क्यों? टेबल स्पेस बन जाएगा. कोटा नहीं है. हाँ भाई, बन जाएगा. बन जाएगा. क्यों? हमने यूज, हाँ एक मिनट. विरासत से नहीं मिलता, देना पड़ता है. लेकिन रिसोर्स का जो रोल होता है, इसके अंदर एक हिडन प्रिविलेज होती है, अनलिमिटेड टेबल स्पेस. अनलिमिटेड टेबल स्पेस रिसोर्स के रोल देने की वजह से आती है, किसी भी यूज़र को मिल जाती है. जिसका मतलब होता है जितने भी टेबल स्पेसेस डेटाबेस में मौजूद हैं तमाम पर इस यूज़र को अनलिमिटेड का कोटा मिल चुका है अगर आपने रिसोर्स का रोल दिया है. एज अ DBA ये रिकमेंड नहीं है कि आप रिसोर्स का रोल यूज़र को दें. क्यों? क्योंकि उसको तमाम टेबल स्पेसेस पर राइट्स मिल जाएंगे यूज़र को. और रिकमेंड ये है कि आपने उसका डेटा जिस टेबल स्पेस में सेव करना है सिर्फ उस पर ही राइट्स दें. ठीक है. टेबल स्पेसेस का लफ्ज बार बार आ रहा है. सर, रोल में तो कोटा होता ही नहीं है, रोल में कैसे आ? सिर्फ रिसोर्स के अंदर होता है. खास तौर पे मैंने कर दिया ना ताकि आपको याद रहे. ठीक है, ये डिफरेंट टेबल स्पेसेस हैं आपकी डेटा बेसिस की. अगर आप लिखें सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम फाइल नेम फ्रॉम, देखें टेबल स्पेसेस आप फिलहाल इस लेवल तक ये समझ लें. यूजर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? वो ये रखी हुई फाइल है. ये वो फाइल है जहाँ पे इस यूजर का डेटा जाएगा. और डिफरेंट जो बनेंगे यूजर सिसॉक्स एडवर्टीज और यहाँ तक ये आखिर की तीन जो है ये डिफॉल्ट नहीं है. इसके ऊपर जितनी भी हैं ये तमाम जब भी आप डेटाबेस डालते हैं चाहे 9i हो या 10g हो या 11g हो ये बिल्ट इंस्टॉल होती है साथ में. और यूजर्स का जो टेबल स्पेस है वो 10g से डिफ़ॉल्ट हो गया. यानी कि जब भी कोई यूज़र बनता है और आपने तो सिर्फ लिखा क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, तो जब वो टेबल बनाएगा तो वो कौन सा टेबल स्पेस जो है वो जो उसका डिफ़ॉल्ट होगा वो यूज़र्स होता है. कोटा नहीं दिया हुआ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वो ये समझता है कि इसमें जाएगा उसका डेटा. 9i तक जो है आपका सिस्टम का टेबल स्पेस होता था. और ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कि सिस्टम के टेबल स्पेस में आप जो है कोई भी डेटा टेबल बनाएं. सेम वही चीज़ जैसे विंडो सी के अंदर विंडोज़ का फोल्डर होता है कि उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं. आप उसमें बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है कि आप उसके अंदर काम करें. हम आमतौर पर क्या करते हैं, सी ड्राइव के अंदर कोई काम नहीं करते, हम दूसरी ड्राइव पर काम करते हैं ताकि सी ड्राइव पर लोड कम से कम रखें उसका. तो ये वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने इसमें देखी. स्पेस खत्म हो गया तो फिर अब ये यूजर मजीद डेटा एंट्री नहीं कर सकता. तो क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं करेगा वो. फिर हमें जो है इसका स्पेस मेंटेन करना होता है. स्पेस की हमारे पास सेटिंग होती है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं खास तौर पे इसको कि
मैं बताना चाह रहा था लेकिन चलो खैर कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बहरहाल एक फीचर ऐसा भी है कि हम बता देंगे कि ये जो डेटा फाइल या ये जो डेबिट स्पेस है ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहे जैसे इसमें स्पेस कम, ये फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, तो ये तमाम जो थी ये तमाम आपकी सिस्टम प्रिविलेजेस थी। सिस्टम प्रिविलेजेस का मतलब जो डेटाबेस लेवल पर होती है, यूज़र को डेटाबेस पे कनेक्ट होना है क्रिएट सेशन, यूज़र को डेटाबेस में टेबल बनाना है क्रिएट टेबल, इस टाइप की परमिशन। दूसरी जो परमिशन है वो है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मतलब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर दी जाती हैं, जैसे हमने इसकी एक दो एग्जाम्पल पिछले उसमें भी देखी थी कि फला यूज़र को हम अपने फला टेबल पे राइट्स देना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर राइट्स जो हम देते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कहते हैं। जैसा कि अगर हम कनेक्ट हुए स्क्वाड से और मैंने लिखा ग्रांट सेलेक्ट ऑन सेल ग्रेड टू एच आर, इसका मतलब क्या होगा? एचआर के टेबल, एचआर के यूज़र को हमने सेलेक्ट के राइट्स दिए हैं सेल ग्रेड के टेबल पे, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि एज अ स्क्वाड हमने किस किस को किस किस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या राइट्स दिए हैं, तो उसके लिए हमारे पास व्यू है डिस्क्राइब यूज़र अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर प्रिविलेजेस अंडरस्कोर मेड सेलेक्ट ग्रंटी टेबल नेम या डिफरेंट चीज़ें ले लें और प्रिविलेज ले लें फ्रॉम, ये एक मसला है ना, इसका शॉर्टकट ये है कि आप जो हैं डिक्शनरी का जो टेबल है डेट वो डिक्शनरी का व्यू वहाँ पर आप क्यूरी करके निकाल देते हैं। मुझे रोल से रिलेटेड कोई व्यू देखना है वेयर टेबल नेम लाइक रोल, रोल के नाम के जितने भी टेबल स्पेस वो डिक्शनरी के व्यू होंगे वो तमाम आपके पास आ जाएंगे, सामने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, हमने जो अभी राइट्स दिए थे वो ये थे एचआर के यूज़र को सेलेक्टेड टेबल पे सिलेक्ट कराए थे, लेकिन हमने अपने ईएमपी के टेबल पर एचआर को डिलीट इंसर्ट सेलेक्ट के राइट्स दिए और पब्लिक को भी हमने राइट्स दिए, शायद लास्ट क्लास में पब्लिक सेनानी जो बनाया था। तो हम ये देख सकते हैं कि करंट यूजर जो है उसने किस किस को क्या राइट्स दिए हैं और हम इसका अपोजिट किस किस से क्या राइट इसने लिए हैं। ये मेड जो लिखा हुआ रहा था इसको आप आर ई सी डी करना रिसीव, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी क्या दिखा रहा है कि स्क्वाड ने किस किस को राइट्स दिए हैं, अगर आपने देखना स्क्वाड ने किस किस से क्या राइट्स दिए हैं तो आप इसको मेड भी आर ई सी डी कर दें, कॉलम के नेम भी थोड़े से चेंज है डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अब आपको मैं दिखाऊँ अगर यहाँ पर मौजूद हो तो, लेवल पर है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है, ये भी एक टूल है जिस तरह से हम एसक्यूएल प्लस पे काम कर रहे थे सेम वैसे ही हम इस पर काम कर सकते हैं। स्कॉट टाइगर डेटाबेस नेम और कनेक्ट है अगर आप सिस डी बी ए से कनेक्ट होने जा रहे हैं, ओके किया आपने और आप इस पर कनेक्ट हो गए। हम यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, अगर आप इसमें देखें तो आपको टेबल नज़र आया कहीं पर, ऊपर चला गया कहाँ, इसको आप खोल कर देखें आपको इसमें कौन से टेबल नज़र आ रहे हैं जो कि स्क्वाड के, वही हैं, ठीक है। ईएम भी है यहाँ पर, इसके कॉलम्स कौन कौन से, इस पर प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन यूनिक की सब आ रहा है। इस पर आप ऐसा करें राइट क्लिक करें और इसमें ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आ रही है मज़ीद लेकिन ये हमारे काम के लिए, हम इसमें देख एडिट, ठीक है। एडिट में आप देखें तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है इसकी, ये इन्फॉर्मेशन जो है अब तो इसका ऐसा डी बी भी यूजेज नहीं होता, ठीक है। 9i तक फिर भी होता था, 10g के अंदर इसको ऑटोमेटिक कर दिया है, तो आप इसको स्किप करें इधर आ जाएं। ये क्या स्क्रीन है आपकी, डिस्क्राइब जो हम करते थे वो इन्फॉर्मेशन आ रही है और सिर्फ नॉट नल कौन सा था, एम्प्लॉय नंबर, नलेबल नहीं है ये, बाकी तमाम क्या है नलेबल है, यानी कि उसमें नल अलाउ है। कीज़ कंस्ट्रेंट लगे हैं और
यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको दिखता हुआ, ये फॉरेन की लगी हुई है जो कि डीपीटी एनओ के कॉलम पर है और रेफरेंस कौन से टेबल को कर रही है, डीपीटी के टेबल पर डीपीटी एनओ। यहाँ पर आप इतनी आसानी से ये देख रहे हैं, क्यूरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी तलाश थी, चेक कोई चेक कंस्ट्रेंट लगा हो तो वो आ जाएगा, इंडेक्सेस कोई लगे हैं और प्रिविलेजेस, वो जो अभी अभी हमने देखी थी कि एचआर को क्या क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट के इसने, हमने कहा कि इसको अच्छा ये तो दे ही देगा वो, ये एक टूल है आपका, ये पी एल एस एल डेवलपर है, ये ओरेकल की प्रोडक्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी टूल है आपका। अगर आप इसमें न्यू में एस क्यू एल विंडो, अब आप यहाँ पर क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ई एम पी, ओहो ओहो ये 3D खोल दिया, ये असल में ये रिकॉर्डर जो है यार, लिखा आ रहा है ठीक है चले खैर, वो इसकी शॉर्टकट की है वो वहाँ पे भी चल गई, तो यहाँ पर इसकी मेरे ख्याल से कोई और की है, ये वाली एग्जीक्यूट, हाँ ठीक है यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा इंटर हो जाता है यहाँ से, डेटा कैसे, नहीं नहीं कमांड लिख, कमांड तो मैं वहाँ पे भी लिखूँ, नहीं नहीं कोई और ऑप्शन है इसमें डेटा इंटर करने का, ये ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ओरेकल से डेटा एक्सेल में लेकर आना है, सिंपल यही काम, अगर आपको एसक्यूएल यहाँ से करना पड़ेगा ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है एक बात, और इसमें एक ऑप्शन होता है एडिट करने का, एडिट होता है एडिट डेटा, ये आ रहा है यहाँ पर, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज करना चाहें, हाँ अपडेट कर सकते हैं आप इसमें। और इसी तरह से एक टूल है आपके पास यहाँ पर, कौन सा है टोड, ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये दूसरी डेटाबेस के लिए भी, ये सिर्फ ओरेकल के लिए नहीं है, लेकिन ये जो इंस्टॉल है टोड फॉर ओरेकल लिखा हुआ बगैर इसका, ये ओरेकल का दूसरी जो डेटाबेस हैं आपके एसक्यूएल सर्वर उनके लिए भी टोड मौजूद है। ऐलान हो रही है, इसको कम देखना है।